दोस्तों दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ख़ास वीडियो। जो प्रॉब्लम है गाड़ी में, तो जो आप देख रहे हो ये पीछे वाली गाड़ी, मेरे पीछे जो है ये गाड़ी में प्रॉब्लम ऐसा है कि इसका जो किलोमीटर जो काटा आता है, किलोमीटर काटा जो स्पीड में चलना चाहिए वो स्पीड नहीं दिखा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये गाड़ी है, तो इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि किलोमीटर काटा है, जो किलोमीटर का जो काटा आता है दोस्तों, तो वो काटा जैसे हम 60 की स्पीड में या 40, जैसे मान लो हम 60 की स्पीड में चल रहे हैं, तो काटा साइड के ऊपर नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा लगभग 20 की स्पीड में या फिर 30 की स्पीड में दिखाएगा। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। जैसे 40 की स्पीड में चल रहा है तो 10 दिखाएगा, 10 की स्पीड का दिखाएगा या 20 की स्पीड में दिखाएगा। तो इस तरह का ये प्रॉब्लम इसके अंदर आ रहा है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो अभी हम इसका जो भी है पूरा गाड़ी को हम लोग ने चेक किया है, तो उसमें हम लोग इसका वर्म खोल रहे हैं। अभी वर्म खोलने के बाद पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, किलोमीटर का स्पीड का जो सही से नहीं दिखा रहा है, सही तरीके से जो काटा इसका चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है, जो स्पीड जो दिखाना चाहिए वो स्पीड नहीं दिखा रहा है, रॉन्ग स्पीड रॉन्ग काटा दिखा रहा है। जैसे स्पीड में चल रही है गाड़ी तो काटा इसका रॉन्ग दिखा रहा है, जैसे फुल स्पीड में चल रही है तो कम स्पीड में दिखा रहा है। तो अभी हम इसका वर्म खोल रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ वर्म खोलने का किस तरह खोला जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों ये जुनैद खोल रहा है, जुनैद हैकर। तो दोस्तों देख सकते हो ये जुनैद जॉइंट खोल रहा है, यूनिवर्सल जॉइंट। तो इसका वर्म जो मैं आपको दिखाता हूँ, वर्म ये आता है जो आप देख सकते हो आप। तो दोस्तों इसका जो पीछे का बैक साइड का जो कवर आता है गियर बॉक्स का, ये खोलने वाले हैं। ये खोलने के बाद वर्म निकलेगा दोस्तों। वर्म कैसा है, किस तरह है, ये हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों जो गाड़ी के मालिक है, जो फरीद भाई है इनका नाम, तो उनसे भी मैं आपको इंटरव्यू लेंगे हम लोग, इनसे भी बात कराएंगे हम। तो ये खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों क्या प्रॉब्लम निकला है क्या नहीं है। ये देख सकते हो वायर, जिसमें वायर लगा हुआ है वो उसको किलोमीटर सेंसर बोलते हैं, और जो अंदर लगा हुआ है दोस्तों उसको वर्म बोलते हैं, किलोमीटर वर्म। तो जो पीछे का साइड कवर दिख रहा है अंदर वाला, पीछे वाला, तो ये खोलने वाले हम। ये खोलने के बाद पता चलेगा दोस्तों वर्म की हालत क्या है, वर्म की पोजीशन क्या है, तो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम खोलते हैं इसको, खोलने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों ये खुल चुका है, जो गियर का जो पीछे का आता है बैक कवर। तो मैं आपको दिखाता हूँ वर्म कहाँ है। तो ये देख सकते हो दोस्तों ये प्लास्टिक का आपको दिख रहा है, ये वर्म है, ये ख़राब हो चुका है। अभी मैं खोल के आपको दिखाऊंगा। और ये इसके अंदर भी एक वर्म आता है, ये भी खोल के ये देखो, देख सकते हो आकार खोल रहा है इसको। ये खोलने के बाद क्या पोजीशन में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों ये वकार उसको निकाल रहा है।
पेचा मार उसको। तो दोस्तों ये निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वकार निकालने वाला है, निकाल वकार। इस तरह ये निकलता है दोस्तों, इसको किलोमीटर वर्म बोलते हैं। ये देख सकते हो ये निकाला है वकार ने। ला इधर, लो पकड़ो उसको, घुमाओ। थोड़ा नीचे करो, तो दोस्तों देख सकते हो जो उसका मीनिंग आता है ये ख़राब हो गया है। तभी उसको नया डालने वाले हम। तो और दूसरा जो वरम है ये है, यहाँ लगता है, ये देख सकते हो आप। तो ये नया डालने वाले हम, इसका जो मीनिंग आता है, उंगली दिखाओ, उंगली लगाओ उसको कहाँ पर है। तो ये मीनिंग है दोस्तों, देख सकते हो। तो ये ख़राब हो गया है, तो अभी हम उसको नया डालेंगे। ये वाला वरम यहाँ पर लगता है, देख सकते हो इधर। तो अभी इसको, ये पीछे का गियर बॉक्स के पीछे का कवर है, बैक कवर बोलते हैं उसको। तो अभी वो भी नया डालेंगे, दोनों वरम नया डालेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद चेक करेंगे, फिर उस फिर दोस्तों चेक करने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद, जो गाड़ी के ओनर है फरीद भाई, जो गाड़ी के ओनर है फरीद भाई, हम उनसे बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहे, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो ये वरम हम नया डाल रहे हैं, ये इसके अंदर लगेगा। यहाँ पर जो गियर बॉक्स का जो फाड़िया आता है पीछे का बैक कवर, इसके अंदर लगता है। तो अभी हम ये नया लगाने वाले हैं, नया लगाने के बाद हम चेक करेंगे दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देख सकते हो दोस्तों ये वरम लग गया है, देख सकते हो वकार लगा रहा है इसका लॉक, पूरा एकदम कंप्लीट घुमा के चेक कर रहा है लॉक लगा है नहीं लगा है। तो दोस्तों अभी फिटिंग करने के बाद देखते हैं, ये इस तरह लॉक बैठा जाता है, ये चक्कर जो इस तरह लगता है, उसके बाद में उसके पीछे के साइड में लॉक लगता है। लॉक लगने के बाद इसको फिटिंग किया जाता है। तो दोस्तों चलिए अभी बैक कवर फिटिंग करते हैं, इसकी जो सीट है उसको साफ़ करके। देख सकते हो वकार भी इधर बैठा है, शर्मा रहा है थोड़ा। तो चलिए दोस्तों अभी इसको फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो पूरा कंप्लीट हो चुका है, पैकिंग भी हम लोग ने नया लगा दिया है वकार ने। तो अभी वकार उसको फिट करने वाला है। तो वकार फिट कर, लगा उसको अंदर। तो उसका जो कवर का सीट आता है वो भी हम लोग ने साफ़ कर दिया है, तो एकदम आसानी से बैठता है ये, एकदम इजीली। देख सकते हो इसको ना ठोकना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है, सिर्फ अंदर लगा दो लग जाएगा दोस्तों। इसको ज़बरदस्ती बिठाना नहीं है, अगर आप ज़बरदस्ती बिठाओगे तो अंदर से कुछ ना कुछ टूट सकता है। तो इसीलिए ये एकदम आसानी से बैठता है, कोई तकलीफ़ नहीं होती है, एकदम इजीली बैठता है। तो चलिए अभी पूरा फिटिंग करके हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हो एकदम आसानी से लग चुका है। अभी इसका बोर्ड लगा रहे हैं वकार भाई, वकार इसका बोर्ड लगा रहा है। तो चलिए दोस्तों उसको फिटिंग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, और जो भी प्रॉब्लम था हम लोग ने सॉल्व कर दिया है। और ये बैठे हैं गाड़ी के ओनर, जो आप पीछे देख रहे हो ये गाड़ी के ओनर है, इनका नाम है फरीद भाई। तो हम इनसे जानेंगे
हमारा काम कैसा लगा, हमारा व्यवहार कैसा लगा, ये कहाँ से आए हैं, तो इन्होंने कहाँ कहाँ कौन सी गैरेजों में दिखाया था, इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो चलिए हम इनसे जानते हैं। तो फरीद भाई, आप कहाँ से आए हो ये बताइए पहले। मेरा नाम शेख फरीद है और मैं आया हूँ मोरबी से। आप देख सकते हो मेरी गाड़ी के पासिंग मोरबी की है, GJ 36। और मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम था, स्पीड कांटा जो है वो डाउन हो जा रहा था, तो मैं दो तीन जगह पे दिखाया हूँ, तो कोई बोल रहा था कि इसमें खोलकर देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, कोई बोल रहा था कि सेंसर का प्रॉब्लम होगा, कोई कुछ बता रहा था। तो मैं यहाँ पर आया, ये नाम है मुश्ताक भाई इनका, मैं यहाँ पर आया हूँ, इन्होंने बताया कि देख लेते अपने खोल कर, तो इन्होंने अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, वरम का प्रॉब्लम था, तो अभी ये गाड़ी कंप्लीट हो गई है और इन्होंने काम भी अच्छे से कर दिया है, फटाफट कर दिया है, कोई परेशानी नहीं हुई है। तो देख सकते हो दोस्तों, इतनी दूर से मोरबी से इतनी दूर से आए हैं गाड़ी लेकर स्पेशल बनाने के लिए, तो यूट्यूब से देख के आए थे, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ था, एड्रेस दिया हुआ था, वो एड्रेस पे ये फरीद भाई आए हैं और कॉन्टेक्ट करके भी आए हैं। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि ये हमारे सूरत से मोरबी कितने किलोमीटर है। तो फरीद भाई, सूरत से लगभग कितने किलोमीटर होगा? सूरत से मोरबी है करीब 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर, तो वहाँ से मैं आया हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने, सूरत से 400 किलोमीटर दूर से आए हैं बनाने के लिए पेसल, जो इनका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा था, तो इन्होंने दो तीन गैरेजों में भी दिखाया, तो कोई क्या बोल रहा था, कोई क्या बोल रहा था, यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने इनको डायरेक्ट बोल दिया कि भाई इसका, फरीद भाई, इसका वरम डालना पड़ेगा तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो हम लोग ने वरम डाल दिया, ग्राउंड मार के भी चेक कर लिया है और अभी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी ये थोड़ी देर से निकलने वाले हैं। ये लगभग सुबह पहुँचेंगे, है ना, सुबह पहुँचेंगे आप? तो ये सुबह पहुँचेंगे जहाँ इनका रहने का है, तो ये सुबह पहुँचेंगे यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते।